गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सर आप देख रहे हैं टेक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपनी बाइक पल्सर 150 का फ्रंट कलर टोटली चेंज करने वाला हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिले। दोस्तों आफ्टर मॉडिफाई अपनी बाइक को हर किसी ने यूट्यूब पे आपको दिखाया होगा, लेकिन बिफोर मॉडिफिकेशन आपको किस तरह से मॉडिफाई अपनी बाइक को करना है ये किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो आज मैं आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 का फ्रंट लुक टोटली मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, पल्सर 150 को 180 में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। इस मॉडिफिकेशन में मेरे एक फ्रेंड ने मेरा साथ दिया है जिसका नाम है नादिर। इस वीडियो को देख करके आप भी अपनी बाइक पल्सर 150 को 180 का लुक दे सकते हैं। आज की वीडियो में मैं अपनी बाइक को मॉडिफाई करके ही नहीं दिखाऊंगा बल्कि आपको हर स्टेप भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा अपनी बाइक को मॉडिफाई करने के लिए पल्सर 150 को 180 का लुक देने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हम नाजिम की दुकान पर आ गए हैं और आज हम अपनी इस बाइक का फ्रंट 150 से 180 करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। ये है मेरे नाजिम भाई जो आज मेरी बाइक को आगे का फ्रंट जो है चेंज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाजिम भाई हम ये बोल रहे हैं ना इसका ठीक ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये ठीक खोलने के बाद अब हम हैंडल खोल रहे हैं ना। ये हैंडल बार भी हम खोल रहे हैं, ये देखिए इसके दो बोल्ट हम खोल चुके हैं। आप ये को खोल रहे देख सकते हैं आप लोग, ये 150 है, इसमें 180 के सॉकअप लगेंगे और मडगार्ड लगेगा और डिस्क चेंज होगा। हमें ये आगे का पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा ना आजिम भाई, तो पूरा सेटअप हमें खोलना पड़ेगा सब कुछ, सॉकर मडगार्ड टायर। सारी वायरिंग भी हम खोल लेंगे। फाइनली दोस्तों इसका सारा सेटअप हम खोल चुके हैं, वो देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी टी है। ओके, ये 150 की टी है और वो रहा उसका प्रोजेक्टर लैम्प और ये रहे इसके शॉकर टायर और मडगार्ड वगैरह। ओके, और सारा सामान लगभग खुल चुका है और अब मैं आपको दिखा दूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये पल्सर 180 की टी है, इसमें हमने ये रॉड चेंज करवाई है। ओके, ये रॉड हमने 150 का लगाया है लेकिन ये जो टी पॉइंट है ये इसका 180 का है। ये अब हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं क्योंकि दोनों के शॉकर का साइज बिल्कुल ही अलग होता है। 150 का जो शॉकर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और इसके 180 के मोटे होते हैं, इसलिए हमें ये इस तरह से सेट करना पड़ा। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इस तरीके से हमने पैड करवा के नया लगवाया इसमें। ये वाला 150 का है और ये चीज़ जो देख रहे हैं नीचे से ये 180 का है। आप ये देख सकते हैं ये दूसरा है, ये दूसरा 150 का है और ये 180 का है। ये सेट करने से पहले हमें इसमें गोलियाँ सेट करनी पड़ेंगी। नहीं, गोलियां सेट करने के लिए हमें ग्रीस चाहिए। ये
नीचे भी हमने ग्रीस लगा दिया इसमें। चलिए ऊपर वाले भी लगा लेते हैं, ये देखिए। अब इससे हैंडल भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, नहीं एक तरह से सर्विस भी हो गई। लगेगा तो नहीं इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सेट हो गया, बिल्कुल सही है, ना इधर टकराता ना इधर टकराता किसी भी साइड में। ये देखिए अच्छे से मूव हो रहा है, इसकी कटोरी हो गई, ये इसका बोल्ट, क्या हाल है। बस एक ही चीज का मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बस वो इसके ऊपर वाला, वो अगर सेट नहीं खाना तो दिक्कत जाएगी, और अगर वो सेट बैठ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नाजिम भाई आएंगे खाने के लिए। ज्यादा दिक्कत होगी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लगवा दूंगा, थोड़ा सा मसाला लगा दूंगा, बिल्कुल फिट है। इसके सॉकर की बात, देखिए पल्सर 180 के सॉकर हैं ये। बस कामयाब हो जाएं। ये 180 का केकड़ा इसमें सेट करेंगे नहीं, इसमें हमने थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमने कटवाया है, लगभग एक इंची है ये पूरा, एक इंच हमने इसे काट करके थोड़ा छोटा करना पड़ा इसको सेट करने के लिए। लगाओ नाजिम भाई, और उसके बाद अब हम देखते हैं इसको सेट करके, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जा रहा था इसलिए हमें ये कटवाना पड़ा। अब देखते हैं हम इसको सेट करके, अब इसमें ये मरगाट सेट कर रहे हैं, अभी इसका काम थोड़ा सा पेंडिंग है। ये लगभग अगला व्हील भी हमने इसमें सेट कर लिया है, देखते हैं आप डिस्क ब्रेक लगा के इसमें। फाइनली नाजिम भाई ने बाइक तैयार कर दी है, देख सकते हैं आप लोग, अब इसकी एक टेस्ट राइड हो जाए। नाजिम भाई जाओ चला के, वो आ गई बाइक अपनी, देख सकते हैं आप लोग, ये आ गई मेरी बाइक में पल्सर 180 के शॉकअप और मडगार्ड व्हील वगैरह इंस्टॉल करने के बाद में मुझे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो ये कि मेरा जो मिडिल स्टैंड है वो लग नहीं रहा है, वो छोटा पड़ गया है, क्योंकि इस शॉकअप को इंस्टॉल करने के बाद मेरी बाइक की जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, हाइट थोड़ी सी ऊंची हो गई है, जिसकी वजह से वो स्टैंड छोटे हो गए हैं, तो इसमें मेरे को पल्सर 180 का ही स्टैंड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक चीज़ और दोस्तों, इसमें पल्सर 180 का ही साइड स्टैंड भी लगेगा, ये साइड स्टैंड भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसमें। ओके दोस्तों, मैंने इसका साइड स्टैंड भी चेंज कर दिया, इसमें पल्सर 180 का साइड स्टैंड लगा दिया, देख सकते हैं आप, ये इस वाले से ये देखिए कितना छोटा है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए है ना। तो ये पहले मेरा पल्सर 150 का पहले ये था, इसमें मैंने थोड़ा बेल्ट भी करवाया था, उसके बावजूद ये छोटा पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें पल्सर 180 का ये साइड स्टैंड और ये मिडल स्टैंड ये दोनों ही चेंज कर दिए। अब इससे मेरी बाइक खड़ी हो पा रही है, मैं आपको अभी स्टैंड भी दिखा। दोस्तों मैंने इसका मिडल स्टैंड भी चेंज कर दिया, देख सकते हैं आप लोग, ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट को इस जगह पे होना चाहिए ताकि ये इससे बिल्कुल इस जगह पर अटैच हो। ओके, लेकिन ये इस जगह अटैच ना होकर के ये इस जगह पर है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि पल्सर 180 का जो साइलेंसर है उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, पल्सर 150 से 180 का साइलेंसर भी थोड़ा सा चेंज है। ओके, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये साइलेंसर में जो पॉइंट है, ये स्टैंड का पॉइंट है, इस पॉइंट को
ये पॉइंट पल्सर 180 के साइलेंसर में या 220 के साइलेंसर में थोड़ा सा पीछे होता है और साइलेंसर भी थोड़ा सा 150 के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, ओके, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आगे पीछे हो। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये, देख सकते हैं आप लोग, ये अगर आपको अपनी बाइक को लॉक करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी चेसी में या अपने बाइक के ओरिजिनल पार्ट में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। जो आप मॉडिफाई करने के लिए जो भी पार्ट लाए हैं आप उसी में ही अपना छेड़छाड़ करें, ज़्यादा बेस्ट होगा, नहीं तो हो सकता है ये भी सेट ना बैठे और अपनी आप अपने ओरिजिनल पार्ट को भी खराब कर बैठे। तो इसको हम दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो ये लॉक वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आपके ये लॉक का कॉइन जो है वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी लॉक नहीं होगी। तो इसके लिए आपको इसी प्लेट में ही नीचे से दो पॉइंट होते हैं उसको कट करवाना पड़ेगा, और कट करवा के फिर उसमें चूड़ियां बनवा करके आपको इस लॉक को बनवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये लॉक थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ओके। बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ पल्सर 180 का है, ये हैंडल बार भी है और ये प्लेट भी है। बाकी ये जो बोल्ट देख रहे हैं ये 150 का ही है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ये ब्रेक लीवर भी चेंज कर दिया है, ये बाइब्री का लगा दिया है, ओके, इसकी वजह से और भी ये मेरी बाइक का लुक और भी अच्छा हो गया है। देख सकते हैं पहले जो था वो थोड़ा सा जो, हालांकि वो तो ओरिजिनल कंपनी से ही आया हुआ था, लेकिन ये उससे भी बेस्ट है, ब्रेकिंग में बहुत अच्छा काम करती है, इसकी वजह से मैंने इसको लगाया, ओके। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन हैं, इट्स मीन कि मतलब अब आपको अपनी बाइक मॉडिफाई करनी है, पल्सर 150 को 180 में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये सारा सेटअप ओनली हेडलाइट और इन लीवरों को छोड़, इन ब्रेक लीवर, इस ब्रेक लीवर और क्लच लीवर को छोड़ करके ये आपको सारा सेट सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो टायर भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टायर चेंज नहीं किया, टायर वही है, बाकी सारा सेटअप मैंने इसका चेंज किया है, ओके। लेकिन अपनी बाइक का जो मेरी बाइक का ओरिजिनल पार्ट है उस पर मैंने कोई भी किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नई सोच के साथ, कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।